साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को एमपी से किया गिरफ्तार। बेटे को रेप मामले में गिरफ्तारी की जानकारी देकर पिता से की थी ठगी। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध योजना में शामिल 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां उस मामले के बाद हुई जहां आरोपी ने दिल्ली में एक शख्स से बेटे को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किए जाने का झूठा दावा करते हुए उससे 70,000 रुपये की ठगी की। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर माता पिता से उनके बच्चे की गिरफ्तारी की एक कहानी गढ़कर उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने झूठे आरोपी बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने की आड़ में पीड़ित को बड़ी रकम हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने साइबर ठगी को बैंक खाते का विवरण प्रदान करके धोखाधड़ी वाले लेन देन को सुविधाजनक बनाया। जब्त किए गए सबूतों में 40 से अधिक सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन और 18 बैंक पासबुक है, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों की सीमा को दर्शाते हैं। दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से विश्वजीत गिरी, सुधीर पाल, कुंजीलाल, माया सिंह और रवि पाल को भोपाल में पकड़ा गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एमपी पुलिस ने साइबर अपराध की सीमा पार प्रकृति को उजागर करते हुए दिल्ली अधिकारियों के साथ सहयोग शुरू किया। यह मामला ऐसे घोटालों के खिलाफ सतर्कता के महत्व और व्यक्तियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।